कुछ दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा कि दिल्ली के कुछ कॉलेजेस में 100% कट ऑफ है। जो बच्चे 12वीं क्लास पास करने के बाद कॉलेजों में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। अगर 100% कट ऑफ है तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? जिन बच्चों को 90% नंबर मिले, 95% नंबर मिले, 85%, 80%, 70%, 60% नंबर मिले, उनको भी तो हायर एजुकेशन का उनका अधिकार है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ हो रहा है? इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसमें हम सबकी गलती है, सभी सरकारों की गलती है। अभी तक दिल्ली में जितनी सरकारें आई उन सब की गलती है, हमारी गलती है, केंद्र सरकार की गलती है कि अभी तक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर कॉलेजों की और यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा भारी कमी हो गई है, सीट्स की कमी है और बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तेज़ी के साथ बच्चों की संख्या बढ़ रही है उस तेज़ी के साथ कॉलेज बढ़ने चाहिए थे, यूनिवर्सिटीज़ बढ़नी चाहिए थी। दिल्ली देश की राजधानी है। आज अगर दिल्ली दिल्ली की बात करें, हर साल दिल्ली में लगभग 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं, उनमें से 1.25 लाख बच्चों को लगभग दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन मिल पाता है, बाकी 1.25 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? यानी कि दिल्ली के अंदर अपने जितने कॉलेज हैं उसमें केवल और केवल 50% दिल्ली के बच्चों के लिए कैपेसिटी है, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो एक एक सीट पे दो दो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इतनी ज़्यादा मारामारी है। दिल्ली के अंदर इस टाइम बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार तैयार है, हम तैयार हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, नए कॉलेजेस खोलने के लिए तैयार हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन आ रही है हमारे सामने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस हैं। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी के 127 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस हैं। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली है, एम्स है, दिल्ली सरकार की 9 दिल्ली स्टेट की 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएनयू है। ये मोटे मोटे तौर पे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था 1922 में। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी उसी के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी उस टाइम। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली में कोई भी कॉलेज, नया कॉलेज खुलेगा, वो केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सकता है और किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट नहीं हो सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछले 30 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खोला है, कोई नए कॉलेज की एफिलिएशन पिछले 30 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है, क्योंकि ऑलरेडी कैपेसिटी भर चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की और नहीं कर सकते वो लोग। तो और नई यूनिवर्सिटी खुल नहीं सकती दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट की सेक्शन 5 विदिन ब्रैकेट 2 में लिखा है कि कोई भी नया कॉलेज खुलेगा तो केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा। तो कोई भी नई एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती और कोई भी नया कॉलेज नहीं खुल सकता। 1998 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस एक्ट में जरा सा संशोधन करके ये कहा गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी के साथ भी एफिलिएशन हो सकता है किसी भी कॉलेज का। आईपी यूनिवर्सिटी केवल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बनाई गई थी, रेगुलर बीए बीएससी के लिए नहीं बनाई गई थी। अब आईपी यूनिवर्सिटी में भी 127 कॉलेज उसके साथ एफिलिएट हो चुके हैं, उसकी भी कैपेसिटी भर चुकी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कैपेसिटी भर चुकी है। इसलिए ये जरूरी है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इस कानून को बदला जाए। अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है, हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा की जरूरत है,
12वीं क्लास तक उनको पढ़ाने के लिए तो हमने दिल्ली में खूब स्कूल बना दिए, खूब अच्छे कर दिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब हम बहुत सारे कॉलेज बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी को चिट्ठी लिखी है, अभी थोड़ी देर पहले उनसे विनती की है दिल्ली के लोगों की तरफ से कि आप इस कानून में सेक्शन 5(2) जो है इसको डिलीट किया जाए ताकि दिल्ली के अंदर हम नए कॉलेज खोल सकें, नई यूनिवर्सिटी खोल सकें। हम भी खोलेंगे, केंद्र सरकार भी खोलेगी, जिससे दिल्ली के बच्चों, मैंने बताया 1.25 लाख बच्चे तो दिल्ली के ही हैं जिनको नहीं, पूरे देश भर से लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं, पूरे देश भर से अपने बच्चे दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी अपने को नए कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ खोलने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र सरकार इस बारे में विचार करेगी और अंग्रेज़ों के ज़माने के इस कानून को बदलेगी। मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों को बहुत, बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन है इस टाइम, 12वीं क्लास के अंदर वो कोशिश करते हैं इतने परसेंट, अब तो 100% पे भी एडमिशन, 100% पे एडमिशन मिलेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को ये जो इतनी टेंशन दे रखी है ये तो इस सिस्टम की वजह से है। इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।